साल 17 नवंबर को पूरी दुनिया के छात्र अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाते हैं। हजारों छात्र इस दिन को मिलजुल कर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। और यही दिन क्यों, सभी विशेष दिनों को उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन से जुड़ी एक दुखद घटना है। आइए आपको बताते हैं, बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। चेकोस्लोवाकिया के एक हिस्से पर नाजियों यानी कि हिटलर का कब्जा था। वहीं राजधानी प्राग में स्टूडेंट्स और टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया था। ये बात है 28 अक्टूबर साल 1939 की। प्रोटेस्ट था देश की स्थापना की सालगिरह के मौके पर। उसी प्रोटेस्ट के दौरान नाजियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके कारण मेडिकल के एक छात्र को गोली लगी और वो मर गया। स्टूडेंट के अंतिम संस्कार के समय भी प्रोटेस्ट किया गया और ऐसे वक्त प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 नवंबर 1939 को नाजी सैनिक स्टूडेंट्स हॉस्टल में घुस गए और सैनिकों ने करीब 1200 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से 9 छात्रों को फांसी दे दी गई। सैनिकों ने चेकोस्लोवाकिया के सभी कॉलेजों को बंद करवा दिया। इस घटना ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। फिर इस घटना के पूरे 2 साल बाद साल 1941 में लंदन में फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले छात्रों का एक इंटरनेशनल सम्मेलन बुलाया गया। उसी सम्मेलन में यह फैसला लिया गया कि नाजियों द्वारा मारे गए छात्रों को शहीद माना गया और उनकी याद में हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा। कहा जाता है न कि विद्यार्थी आने वाले वक्त में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भविष्य होते हैं। स्टूडेंट्स लाइफ उम्र का वो पड़ाव होता है जहां खुद को साबित करने, कुछ अचीव करने में आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके साथ ही आप अपनी आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा होना चाहिए, उस कड़ी में भी आगे बढ़ रहे होते हैं। इस दिन पूरी दुनिया में कई यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कई छात्र संगठन भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जो छात्र संबंधी समस्याओं के निदान के लिए हैं और अपने अधिकारों की बात करते हैं।